विकसित भारत की ओर लाल फाइल में पूरा बही खाता लेकर पहुंच गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पेश करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस साल का बजट आपके लिए क्यों जरूरी था और इससे आपको क्या फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस बार फोकस था चार मेजर कास्ट पर, यानी कि अन्नदाता, फार्मर्स, युवा, यूथ, वुमेन, महिलाएं और पुअर यानी गरीब लोग। बजट की थीम थी एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs और मिडिल क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोकस किया गया था कि कैसे हमें विमेन को और स्किल बनाना है, कैसे इस यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरियों के लिए लोगों को ज़्यादा दर बदर ना भटकना पड़े, तो उस पर बजट का इस बार खास फोकस रहा था। इसी के चलते सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विमेन के लिए और यूथ के लिए ज़्यादा स्किल्स डेवलप करने के बारे में प्लान किया है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिल सकें और सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ प्रोवाइड कर सके सिटीजन्स को। स्किलिंग प्रोग्राम के अंदर 20 लाख यूथ स्किल्ड बोले जाएंगे अगले आने वाले 5 साल में। 1000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपग्रेड किए जाएंगे जिनके अंदर ओरिएंटेशन और बढ़िया अरेंजमेंट के साथ साथ बेटर अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। 7.5 लाख तक का लोन भी अब सरकार के द्वारा गारंटी में फंड किया जाएगा जिसमें हर साल 25,000 स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए भी 10 लाख तक का लोन अब सरकार देने को तैयार है और उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है इस साल के बजट में। हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को ई वाउचर्स भी दिए जाएंगे। विकसित भारत बनने के लिए पूरे देश में से बहुत सारी स्टेट्स को चुना गया है जिनमें ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि उन स्टेट्स में विमेन और यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इन सभी स्टेट्स में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अब डेवलप करने की बात की गई है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा फंड एलोकेशन किया गया है इस बार ताकि विमेन को और ज्यादा स्किल बनाया जा सके और उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रांट की जा सके। 100 से ज्यादा ब्रांचेस भी सेट की जाएंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में। चलिए अब हम सब जानते हैं कि एनडीए सरकार में इस बार सपोर्ट किया था आंध्र प्रदेश और बिहार की गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं अब उनके बारे में तो सोचना ही था। तो सरकार ने आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का सोचा है जिसमें बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनको कंप्लीट किया जाएगा, फूड सिक्योरिटी को नजर में रखा जाएगा, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर भी खास ध्यान दिया जाएगा जैसे वाटर, पावर, रेलवेज, रोड्स, इन सभी पर थोड़ा ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार ने इस फंड को एलोकेट किया है। इसी के साथ साथ विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम करने के बारे में बात की गई है। चलिए अब बताती हूँ कि नौजवानों के लिए क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले तो अलग अलग स्कीम्स चलाई गई हैं जिसमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी और 500 से ज्यादा टॉप कंपनीज जो है ना वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकती हैं नौजवानों को इस स्कीम के अंडर। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप मिलेगी जिसमें प्रति महीना 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ 1 टाइम असिस्टेंस कॉस्ट भी कंपनी ही बेयर करेगी। चलिए अर्बन डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टैंप ड्यूटी में भी औरतों के लिए थोड़ा ज्यादा फोकस रखा गया है। औरतों के लिए एक और फायदा है, हमें ये तो मालूम है कि प्रॉपर्टीज खरीदते हुए हमें स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है, तो वो प्रॉपर्टीज जो औरतें खरीदना चाहती हैं तो उन पर अब कम स्टैंप ड्यूटी लगेगी। इसी के साथ साथ पीएम आवास योजना के तहत भी एक डिसीजन बनाया गया है, अब इसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को ध्यान में रखा जाएगा जिसके तहत 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना की अगर मैं बात करूं तो उसमें बताया गया है कि अब 1 करोड़ से ज्यादा घर मुफ्त बिजली पा सकेंगे जिसमें 300 यूनिट प्रति महीना फ्री होंगी। इसके अंदर 1.28 करोड़ लोगों की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है और साथ ही साथ 14 लाख एप्लीकेशंस फाइल हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब 11 लाख 11,111 करोड़ का प्रोविजन बनाया गया है जो हमारी जीडीपी का 3.4% है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर एक काफी ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए इतना सारा अमाउंट उसके लिए, इतना सारा फंड उसके लिए एलोकेट किया गया है। अब देखना ये है कि क्या इन फंड्स का यूज एक्चुअली में उसी सेक्टर में होता है या फिर कहीं ना कहीं इस पैसे को हर बार की तरह खर्च कर दिया जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी के साथ साथ मुझे जरा ये भी बता देना कि आप लोग बजट के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या निकला। स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ तक का एलोकेशन दिया जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स ताकि उनको रिसोर्स एलोकेशन में सपोर्ट मिल सके। टूरिज्म को भी काफी फोकस में रखा गया है और यहाँ पर बिहार को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसी बहुत सारी बिहार में जगहें हैं जैसे नालंदा हो गया, विष्णुपद टेम्पल हो गया,
महाबोधि टेम्पल हो गया, तो इन सारे कॉरिडोर्स के ऊपर भी काफी डेवलपमेंट की जाएगी। ओडिशा, बिहार, आसाम, हिमाचल, सिक्किम, इन सभी स्टेट्स में भी टूरिज्म को काफी फोकस में रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ इन स्टेट्स में, ये स्टेट्स काफी ना फ्लड ओरिएंटेड स्टेट्स भी होते हैं कि इन स्टेट्स में बहुत जल्दी फ्लड लैंडस्लाइड हो जाती हैं, तो उस पर भी काफी फोकस किया जाएगा इस बारी। और सरकार ने ये बताया है कि इन सब के लिए अलग मेजर्स लिए जाएंगे और अलग फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को हम लोग मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लगा सकें। टैक्स को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसी के साथ साथ टैक्स स्लैब और टैक्स बेसिस को भी ज्यादा डीपिन करने की बात की गई थी। टीडीएस और चैरिटीज को भी सिंप्लीफाई किया है। ट्रेड में आसानी हो सके इसलिए अलग अलग ड्यूटीज को हटाया गया है। उसी के साथ साथ कुछ डिस्प्यूट्स को भी कम किया गया है, ताकि भारत का ज्यादा फोकस जो है वो अपने सिटीजन्स और ट्रेड के ऊपर बना रहे। जैसे कि 3 मेडिसिन हैं कैंसर के लिए, उन पर बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अब कस्टम ड्यूटी से। इससे क्या होगा ना कि जो मेडिसिन होंगी ना वो और अफोर्डेबल हो पाएंगी पेशेंट्स के लिए। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत इजीली हमें नहीं मिल पाता है स्पेशली, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, तो आम लोग इस चीज़ को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने एक कदम उठाया है कि 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो कैंसर के लिए यूज़ की जाती हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, तो अब उनको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से, यानी अब उनके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ 15% तक आ गया है अब मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PCBA और चार्जर पर BCD को रिड्यूस करने की बात हुई है। इसी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर पर भी अब कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जो अब 6% की हो गई है, और प्लैटिनम पर यही कस्टम ड्यूटी हो गई है 6.4% की। इससे क्या है ना, डोमेस्टिक वैल्यू में एडिशन आएगा। सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उन पर भी अब कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सरकार का मेन फोकस यहाँ ये था कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी पर फोकस किया जाए। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर सरकार ने शॉर्ट टर्म गेन्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स पर 20% टैक्स रेट रखा है। जो भी लॉन्ग टर्म गेन्स हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर, उन पर 12.5% तक का रेट रखा गया है। एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स की लिमिट को भी अब इंक्रीज कर दिया है फाइनेंशियल एसेट्स पर, और बढ़ाकर उसे कर दिया गया है 1.25 लाख रुपीज पर ईयर। फॉरेन कंपनीज पर भी अब कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है, पहले 40% था अब 35% हो गया है। क्या आपको मालूम है, अब एक सैलरीड एम्प्लॉई ना 17,500 रुपए तक सेव कर सकता है। ये एक बदलाव किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में, जहां पर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं। अब 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक का अब 5% का टैक्स कर दिया गया है, इसी स्लैब में चेंज हुआ है। इसी के साथ साथ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस को भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते थे, अब आप 75,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन देखी गई है पेंशनर्स के लिए, वो अब 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि हर एक सेक्टर को कितना कितना फंड एलोकेट किया गया है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अब वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा जाने वाला है और किस सेक्टर पर सरकार की कम नजर है। क्या आपको मालूम है कि सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? तो सरकार सबसे ज्यादा पैसा कमाती है बोरोइंग्स और लोन्स, यानी 27% पैसा सरकार के टोटल इनकम का इस सेक्टर से आता है। उसके बाद 19% सरकार इनकम टैक्स से कमाती है, फिर GST और बाकी टैक्सेस से सरकार 18% लेती है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% लेती है, साइज ड्यूटी से 5% की इनकम जनरेट होती है, बाकी कस्टम से 4% और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1% की। तो सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करती है इंटरेस्ट की पेमेंट्स पर, जिसमें वो 19% खर्च कर देती है। फिर आती है बारी स्टेट शेयर, यानी ऐसा पैसा जो सरकार बाकी स्टेट्स को एज टैक्सेस और ड्यूटीज के उसमें देती है, तो वो 21% देती है। डिफेंस पर सरकार 8% खर्च करती है, सब्सिडीज पर 6%। ऐसी मेजर स्कीम्स जिनमें सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया है, उनमें से एक है मनरेगा। फिर सरकार खर्च कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स पर, सोलर पावर पर। तो ये सारी चीजें हमें यही दिखाती है कि सरकार ने अपना बजट तो अच्छा खासा बना लिया है, और काफी डिफाइंड बजट है कि हमें इतना पैसा यहाँ पर एलोकेट करना है, इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा, इतना रेवेन्यू रहेगा, ये तो काफी हद तक सेट कर लिया है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा सेटल जो उन्होंने किया है, जितने भी अपने बजट इस हिसाब से एलोकेट किए हैं फंड्स को, वो कितने टाइम तक रह पाएंगे, और उस जिस हिसाब से डेवलपमेंट सोच रही है सरकार, क्या उस हिसाब से डेवलपमेंट हो भी पाएगी या नहीं, यही हमेशा हमारा बड़ा सवाल रहता है आपसे। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग इस बजट के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था, क्या रियालिटी निकली,
और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बजट बनाया गया है, उसके हिसाब से भी अलग अलग स्कीम्स हैं सरकार की, जहां पर आप सीख सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीख सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मैं दे दूंगी। तो आप एक बार जाकर ऐप को डाउनलोड करके जरूर देखना और मुझे उसके बारे में बताना कि आपका क्या आउटकम था। और अगर आप चाहते हैं कि बजट में बताई हुई ऐसी कोई स्पेसिफिक स्कीम के बारे में मैं आप तक कोई वीडियो लेकर आऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको बजट का एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप अपने डाउट सजेशन कमेंट्स में डाल सकते हैं।